आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। और अब सारे हृदय से ऊंचे स्वर में गाओ और प्रभु का नाम धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आइए इस वचन को हम एक साथ दोहराएं। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ, और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्यार भरे हृदय के साथ हम प्रभु के पास आए, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि हम गुनाहों में ही थे जब वह हमारे खातिर मारा गया। हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे जब वह हमें उड़ने के लिए पंख दे गया। अब हम पाप की गुलामी के बंधन में फंसे हुए नहीं हैं, उसने हमें स्वतंत्र किया है। यह सब उसकी मेहरबानियां ही तो है कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। आमीन। और हम वास्तव में वही हैं। तो आइए भक्तों, उसकी तमाम मेहरबानियों के लिए प्यार भरे हृदय से हम उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना करें। गुनाहों में नहीं आती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बना है मझदार में से तोड़ने को पर दे गया। एक साथ पूरे दिल से गुनाहों में नहीं आती डूबी, तू रहबर की आवाज बना, जो बना है मझदार में से तोड़ने को पर दे गया। मेहरबानियां है yes, दो आलम तेरा निशा है। मेहरबानियां है, पूरे दिल से हम उसे शुक्रिया कहें। शुक्र अदा, थैंक यू लॉर्ड, अदा प्रेज यू। मैं कैसे बता पूरे दिल से प्रभु, शुक्र अदा यस जीसस, शुक्र अदा थैंक यू लॉर्ड। करूँ मैं कैसे बता, करूँ मैं कैसे
पत्र अध्याय 4। संत पौलुस अपने दुखों का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, मैं ये सारा दुख इसलिए सह रहा हूं कि धन्यवाद के प्रार्थना करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाए। आमीन। प्यारे भक्तों, थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में भी वचन कहता है कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सभी बातों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम निरंतर खुश रहें, प्रार्थना करते रहें और धन्यवाद देते रहें। यस लॉर्ड। यहाँ हम अय्यूब से सीखें, उस पर कितनी विपत्तियां आई, उसके बच्चे मारे गए, उससे उसका सब कुछ ले लिया गया, लेकिन फिर भी वो कहता रहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसकी स्तुति हो, उसको धन्यवाद। यह समय है संपूर्ण हृदय से प्रभु से कहने का कि हाँ प्रभु, सब कुछ तेरा ही तो है, तूने दिया, तूने लिया, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तो ईसा मसीह बन आए, दरिंदे सी सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए, जो खुद पे जुल्म हमने डाले, तो ईसा मसीह बन आए, दरिंदे सीरत हमारी, वो मासूम कुर्बान हुए। तेरी मेहरबानियों के लिए मेहरबानियां है, धन्यवाद यीशु, दो आलम तेरा निशा है, मेहरबानियां है, इनायत का पास बार, अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए के लिए धन्यवाद प्रभु, हर एक अनुभव जो तुमने हमारे जीवन में हमें दिया है, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। प्यारे विश्वासियों, यही तो हम विश्वासियों की खूबी है कि हम हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हर एक दुख के पीछे तेरी कृपा है, हर एक दुख के पीछे तेरी योजना है प्रभु, इसलिए सारे हृदय से धन्यवाद प्रभु। थैंक यू।
you, Lord. I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shukr ada. Shukr ada. Shukr ada. जितना धन्यवादी हृदय हम रखेंगे उतना ही हम अपने आसपास प्रभु को पाएंगे, उतना ही हम अपनी आंखों से देख पाएंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, उतना ही हम देख पाएंगे कि हर एक चीज के पीछे प्रभु की योजना है, कुछ भी व्यर्थ हमारे जीवन में नहीं चल रहा है, हर एक चीज के पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी कृपा है। एक धन्यवादी हृदय के साथ हम प्रभु के पास आए, हाँ मेरे प्रभु मैं हर जगह जब देखता हूँ मुझे तू ही नजर आता है, हर चीज में तेरा ही हाथ दिखता है कि यह मेरे प्रभु का कार्य है, यह मेरा प्रभु मेरे लिए कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। मेरा मुख निरंतर तेरी स्तुति करते रहे, मेरा मुख हमेशा तेरी स्तुति का गान करते रहे प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू लॉर्ड जीसस। हर जगह देखूं हर पल तेरा जिक्र करूं, हर जगह प्यारे यीशु तू ही दिखता है, केवल तू दिखता है प्रभु तेरा, केवल तुझ पर मैं अपना भरोसा रखता हूँ प्रभु, हर जगह देख मैं तुझ पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ प्रभु, हर पल क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है प्रभु, ढूंढती रहे प्रभु। Praise you Lord, शुक्र अदा, Thank you Jesus, शुक्र अदा, संपूर्ण हृदय से, पूरी आत्मा से, Thank you Jesus, Thank you Jesus, Praise you Jesus, शुक्र अदा, हालेलुया 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 हालेलुया, मेरा घर मेरा परिवार धन संपत्ति हर एक चीज के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हर एक अच्छे बुरे अनुभव के लिए, हर एक सुख दुख के लिए धन्यवाद मेरे यीशु, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 में। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1-7 तक। हम वचन पढ़े, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है, पहला सिमोन जो पेत्रुस कहलाता है, और उसका भाई एंद्रियस, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुपदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ, राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरदूतों को निकालो,
तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के समय दो चीज़ें मन में आईं। पहला, प्रभु को पता था कि उनके 12 शिष्य किस तरह के लोग हैं। उनको पता है सिमोन का स्वभाव क्या था। उनको पता था कि जॉन और उसके भाई जेम्स वे कैसे लोग थे। उनको पता था कि थॉमस कैसा इंसान है। सिमोन का नानी जेलट वो कैसा था वो उनको पता था। कोई गुस्से वाला तो कोई शक करने वाला, कोई बहुत जल्दी आगे आकर उल्टा पुल्टा बोलने वाला, तो कोई चाकू निकालने को तैयार वाला। लेकिन प्रभु ने उन सब लोगों को चुना। दुनिया के नज़रिए में ये लोगों में बहुत सारी कमियां थी। ये खुद समझते थे कि हमारे अंदर कमियां हैं, इसीलिए ही पेत्रुस ने प्रभु से कहा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं पापी हूँ। लेकिन जब प्रभु ने इन्हें चुना, तब प्रभु ने इनकी दुर्बलताओं को नहीं देखा, बल्कि पवित्र आत्मा भरने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में आने के बाद ये क्या बनेंगे, यह देखकर प्रभु ने इन्हें चुना है। इनकी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन प्रभु के सामने कोई मायने नहीं रखता, वो किसी भी तरह के इंसान क्यों ना हो। लेकिन प्रभु ने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि ये आगे जाकर प्रभु के लिए, प्रभु के वचनों के लिए कितना कुछ करेंगे। हमारे जीवन में जब प्रभु हमें चुनते हैं तो हमें लगता है कि वाई मी, प्रभु मुझ में तो कोई योग्यता नहीं। बहुत सही कहा, बहुत सही सोचा हमने। हमारे अंदर योग्यता नहीं, हम पापी हैं, पाप में गिरे हुए लोग हैं। हम कोशिश करते हैं कि पवित्रता की ओर हम आगे बढ़े, बस कोशिश ही है। कई बार हारते भी है, गिरते भी है, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें उसके लिए चुना क्योंकि वह जानता है कि हम इसके आगे क्या बन सकते हैं। दूसरी बात जो हमेशा मेरे दिल में रही है, यूदास इस्करियोती। जब प्रभु ने 12 को चुना और 12 लोगों को अधिकार दिया, क्या क्या अधिकार दिया? रोगियों को चंगा करने का अधिकार, मुर्दों को जिलाने का अधिकार, कोढ़ियों को शुद्ध करने का, नर्क दूतों को बाहर निकालने का, सारे अधिकार दिए थे। यूदास इस्करियोती को भी यह अधिकार मिला था। उसने भी जब सेविकाई के लिए प्रभु ने 12 को भेजा तो उसने भी कई चमत्कार किए होंगे। उन्होंने भी रोगियों को चंगा किया होगा, मुर्दों को जिलाया होगा, नर्क दूतों को भगाया होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं उनका अंत कैसे हुआ। बस एक रस्सी से वो टांग गए। उन्होंने प्रभु को धोखा दिया। प्रभु से कैरिजम्स रिसीव करना, गिफ्ट्स रिसीव करना, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम प्रभु से सच्चे मन से प्रेम नहीं करते तो हमारे जितने भी चमत्कार है, जितने भी बड़े बड़े कार्य हम करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। वो शायद यूदास इस्करियोती के जैसे हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं ऐसे मिनिस्ट्रीज करने वाले जिनके जीवन में और उनकी मिनिस्ट्री में बहुत अंतर होता है। शायद वो मिनिस्ट्री तो ज़रूर करते हैं, उनके मिनिस्ट्री में काफ़ी चंगाइयाँ भी होती है, लेकिन उनके जीवन में वो पवित्रता नहीं होती, प्रभु के लिए वह प्रेम नहीं होता, आपसी प्रेम नहीं होता, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। तो हमें सोचना है कि हमारी मिनिस्ट्री किस पर आधारित है। केवल चंगाई करने में, अब दूतों को भगाने में ही है? ग्रेस एक बार जो व्यक्ति को मिल जाता है वह कभी फिर पीछे नहीं जाता। प्रभु पवित्र आत्मा को हमसे निकालते नहीं हैं, बस हम ही पवित्र आत्मा को चुप कर देते हैं। आइए हम भी अपने जीवन को टटोल कर देखें कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितनी आशीष बरसाए है, कितनी कृपाएं दी है। हमारे चाहने से भी ज़्यादा हमें मिला है, हमारी कोशिश से ज़्यादा हमें सफलता भी मिली है, लेकिन क्या हम प्रभु को उतना प्रेम कर पाते हैं? क्या हम प्रभु से इतना जुड़े रहते हैं जो प्रभु अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए देता है? क्या हम केवल नाम के लिए ईसाई है या सच्चे दिल से प्रभु के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं? आइए आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु से कहें, प्रभु कितने भी आशीष आपने दी है उन सब से भी बढ़कर प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, आपका शिष्य बनना, आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ।
आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, तू ही प्रभु मुक्ति दाता, तू ही प्रभु मुक्ति दाता, मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 2 में प्रभु हमें कहते हैं, वचन हमें बताता है, प्रभु आपके साथ होगा यदि आप उसके साथ होंगे, यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वह आपको मिल जाएगा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आइए हम संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की ओर ध्यान लगाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। वचन कहता है, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। हम भरोसे के साथ प्रभु जो सिंहासन पर विराजमान है उसके पास चले। वह हम पर करुणा करना चाहता है, दया करना चाहता है, वह हमारी सुधि लेना चाहता है। वही प्रभु आज हमारे रोगों को अपने ऊपर लेना चाहता है, हमारे दुखों से हमें छुटकारा देना चाहता है और अपने पवित्र घावों में हमारे रोगों को स्वीकार करते हुए पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करना चाहता है। इसलिए आइए हम प्रभु के पवित्र घावों में अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को अर्पित करते हुए इस समय प्रभु से याचना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुधांशु पटेल को अर्पित करते हुए, चीमा टेची को अर्पित करते हुए जो कैंसर के बीमारी से ग्रस्तित हैं, प्रभु उनके रोग तुझे मालूम है प्रभु और तू ही उन्हें चंगाई प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं ब्रेथिला बर्नार्ड को समर्पित करते हुए, ग्रेसी को अर्पित करते हुए, उन्हें कैंसर के रोग से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता ईसा मसीह, इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। ग्रेस रॉबर्ट को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। मरियम इसाबेल जो ब्लड कैंसर से लड़ रही है उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय जितने भी कैंसर से पीड़ित भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, वह इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने पवित्र घावों में उनके कैंसर को स्वीकार कर और अपने पवित्र लहू से उनके कैंसर के रोग को धोते हुए उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ, पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ, मेरे दिल में, मेरे तन में।
यशाया नबी कहते हैं अध्याय 30 वचन संख्या 19 में, प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में वचन हमें बताता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर अर्पित करते हुए प्रभु को पुकारें। प्रभु हमारी सहायता करना चाहता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। आज उस प्रभु के चरणों पर हमारी प्रार्थनाओं को अर्पित करते हुए उससे याचना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं ब्रिडन डिसूजा को समर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रूफीना किरो को अर्पित करते हुए, उसके जीवन में उसके परिवार में जो भी प्रकार की बंधने उन सारे बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर प्रभु, और उसके परिवार को अपनी इन अनुग्रहों अपनी कृपाओं और अपनी आशीषों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरी नौरह को समर्पित करते हुए, उसके स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय याचना करते हैं। साथ ही यीशु इस समय हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे, जो अंधे हैं बहरे हैं लंगड़े हैं लूले हैं, उन सभी को अर्पित करते इस समय हम याचना करते हैं। हे दया सागर ईसा मसीह नाजरी अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर, जो मानसिक रूप से रोगी हैं प्रभु उनका स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। इस नित्य आराधना में जितने भी भाई बहन अपनी आशाओं को लेकर अपनी निराशाओं को लेकर अपने दुखों को लेकर अपने योजनाओं को लेकर तेरी ओर उठा रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी प्रार्थनाओं को दयापूर्वक स्वीकार कर। स्वीकार करते हुए अपना चंगाई वाला चमत्कार वाला हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। साथ ही यीशु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आत्मदर्शन दर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से आत्मिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं वचन की घोषणा के लिए। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके जीवन में उनके घर में उनके परिवार में अपने आप को महिमान्वित कर और उन्हें 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया